हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। जय माता दी। गाइज, हम अभी जा रहे हैं अंकुरेश्वरी माँ की जो एनुअल फंक्शन है, और ये जो लोकेशन है हम सोरो से कम 40-50 किलोमीटर दूर है, और हम गाड़ी से निकल गए हैं। ये राजू भाई और रत्ना भाई के साथ हमारे बाइक में अभी हमारा जर्नी शुरू हो चुकी है, और 40-50 किलोमीटर दूर है हमारा, कम से कम 1.5-2 घंटे का रास्ता है, और हम गांव के रास्ते से जा रहे हैं तो कम से कम 2 घंटा लगेगा। माँ अंकुरेश्वरी मंदिर का जो एनुअल फंक्शन है, हर साल होता है, बहुत धूमधाम से होता है, और वहाँ पे मंदिर के जो चारों तरफ में जो भगवान विष्णु का दशावतार आपको देखने को मिलेगा, और जो दासी रहता है वो जिसके ऊपर भगवान आते हैं वो वहाँ पे उनका पूजा पूरा दिन भर चलती है उनकी पूजा। यहाँ दोपहर का जो हफ्ता में बलि चढ़ाई दे रहा है जो अंदर में, और उसका जो बकरी है, बकरी को बलि चढ़ाया जाता है, उसका वो रस्म है। कुछ लोग मानते हैं कि ये सुपरस्टिशन है, और कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, ये माँ के लिए ये बलिदान है। जो भी है वो उनका प्रथा चलती आ रही है। और दूसरी चीज़ जो है, शाम के टाइम में जैसे कि मेला पड़ती है तो बहुत सारे दुकान वगैरह आती है, कुछ खाने के लिए भी बहुत सारे चीज़ें मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि वहाँ का फेमस जो है वो मिट्टी से बनाई हुई घोड़ा, वही बनाई हुई घोड़ा, हाँ वही सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ है उस एरिया का। और ये जो लोकेशन है ये भद्रक डिस्ट्रिक्ट में आता है। उस मंदिर के जो चारों तरफ में भीड़ बहुत लगती है, क्योंकि माँ के मंदिर में जाने के लिए लाइन लगती है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा लगती है तो इसलिए लाइन बनाना पड़ता है। और आपको माँ को दर्शन करने के लिए आपको टिकट करना पड़ेगा, टिकट करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, 20 से 50 तक। और वहाँ पे मंदिर के जो प्रांगण में आपको आप दिया जला सकते हैं, वो दिया जला के, जैसे कि किसी का अगर मानसिक रहता है तो वो वहाँ पे दिया जला के वो कुछ मांग सकता है माँ से। Thank you.
Thank you.